गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 5.2 जिसका मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था. आज हम कर रहे हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स. देखो इसकी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है ए मोटर बाइक कॉस्ट ₹56,875. एक मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी दी गई है 56,875. एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 9 सच बाइक्स बाय राउंडिंग ऑफ द प्राइस टू द नियरेस्ट 100. आपको कॉस्ट पूछी है 9 बाइक्स की. आपको पता है कि अगर एक बाइक की कॉस्ट दी है 9 की दी है तो हम क्या करते होते हैं मल्टीप्लाई. पर बच्चे यहाँ पे किस में पूछा है आंसर एस्टिमेशन में. एस्टिमेट लिखा हुआ है ना और एस्टिमेशन भी किस में निकालना है हमने नियरेस्ट 100 में. तो इसको कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन मोटर बाइक. कॉस्ट ऑफ वन मोटर बाइक कितनी दी है आपको 56,875. फिर हमने कितनी मोटर बाइक्स की कॉस्ट निकालनी है. आपको बोला है कॉस्ट ऑफ 9 मोटर बाइक्स. क्या करोगे 56,875 को 9 से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई. ठीक है पर इसने क्या मांगा था एस्टिमेशन. इसमें नियरेस्ट 100 में मैंने आपको समझाया हुआ है टेंस और हंड्रेड्स का एस्टिमेशन कैसे निकालना है. 100 में कितनी जीरोज होती हैं 2 और डिजिट कितने होते हैं 3. मतलब लास्ट 3 डिजिट ही चेंज करने हैं. ठीक है इसके लास्ट 3 डिजिट ये वाले हैं. अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट की जगह क्या बन गई 0 0. लास्ट 2 डिजिट क्या है 75 जो 50 से क्या है ज़्यादा. तो 8 का कितना बन जाएगा यहाँ पे 9. आगे वाले 2 डिजिट को हम नहीं टच करेंगे वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे. क्यों क्योंकि 100 में 3 डिजिट होते हैं ऑनली 3 डिजिट ही चेंज करनी है. यहाँ पे देखो 9 दिया हुआ है. 9 तो हो ही नहीं सकता चेंज क्योंकि 100 में 3 होते हैं. 9 तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता 100 के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा. तो 9 का 9 ऐसे रह जाएगा. दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा 5,12,100. ठीक है बच्चे आगे देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 408 एंड 131 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100. आपने प्रोडक्ट का एस्टिमेशन निकालना है. कौन कौन से नंबर दिए गए हैं 408 और 131. इनका एस्टिमेशन किस में पूछा है आपको नियरेस्ट 100 में. पहले तो इनका एस्टिमेशन निकालो फिर उसका क्या कर देंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो एस्टिमेशन ऑफ 408 टू नियरेस्ट 100 आपको पता ही है 100 में 3 डिजिट होते हैं तो तीनों ही चेंज हो जाएंगे. 08 की जगह क्या बन जाएगा 00. अब 08 है जो हमारा 50 से क्या है कम तो 4 का 4 रह जाएगा. मतलब 408 का नियरेस्ट 100 में एस्टिमेशन कितना आएगा 400 और 131 का 31 की जगह 00 आ गया. 31 में 50 से कम है तो 1 का 1 सेम रह जाएगा. तो 131 का भी कितना आ गया 100. फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के लिए 400 को 100 से मल्टीप्लाई करो आपका 40,000 क्या आ गया आंसर. बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th. ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स कॉस्ट ₹428. एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 7 सच बॉक्सेस बाय राउंडिंग ऑफ द प्राइस टू नियरेस्ट 100. आपको एक स्वीट बॉक्स की कॉस्ट कितनी दी है 428. कितने की पूछी है 7 की. किसमें नियरेस्ट टेंस. ये सब अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपके थर्ड सम की तरह है. ठीक है आपने इसको 100 में एस्टिमेट करके खुद ही सॉल्व करना है. 1 की दी हुई है 7 की पूछी है ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करेंगे पर इसमें जो आपने एस्टिमेशन निकालना है किसमें निकालना है 100 में. फिर आपका लास्ट है जो सम इसका 5.2 का. द कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट इज ₹5,623. एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी दी गई आपको 5,623. एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 64 रेडियो सेट्स बाय राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट टेंस. अब इसने कितने रेडियो सेट की कॉस्ट पूछी है 64 की. किस में पूछी है नियरेस्ट टेंस में पूछी है. देखो पिछली तीनों वर्ड प्रॉब्लम हम 100 में करके गए थे पर लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम किस में पूछी है इसने टेंस में. कॉस्ट एक रेडियो सेट की दी है कितने की पूछी है 64 की. तो आपको पता है कि अगर एक की दी है 64 की दी है पूछी है सॉरी ज़्यादा की पूछी है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. पर एस्टिमेशन निकालना है किस में नियरेस्ट टेंस में. तो इसको कैसे लिखेंगे हम देखो. सबसे पहले आप लिखोगे बच्चे कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट. एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है आपके पास 5,623. फिर कॉस्ट ऑफ 64 रेडियो सेट 5,623 को 64 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई. पर उसने आपको एस्टिमेशन मांगा है नियरेस्ट टेंस में. तो टेंस में पता है आपको कितने डिजिट होते हैं 2. लास्ट वाला डिजिट क्या है हमेशा 0. तो 5,623 में ओनली हम किसको चेंज करेंगे 23 को क्योंकि टेंस में 2 डिजिट हैं 2 डिजिट ही चेंज होंगे.
थ्री क्या है हमारा फाइव से कम। ये मेथड मैंने आपको समझाया था ना कि अगर लास्ट डिजिट फाइव से बड़ा है तो आगे वाले डिजिट में एक प्लस होता है, अगर एक लास्ट वाला डिजिट फाइव से आपका छोटा है तो आगे वाला डिजिट सेम रहेगा। थ्री आपका फाइव से छोटा है तो टू की जगह टू ही रह जाएगा। 56 को हम नहीं टच करेंगे, ये सेम ही आ जाएंगे। फिर है आपका 64 में तो ऑलरेडी टू डिजिट ही है, फोर की क्या बन गई जीरो। अब फोर फाइव से कम है तो सिक्स का सिक्स, तो इट मीन्स 5623 का नीरेस्ट आंसर आ गया 5620 और 64 का आ गया 60। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपसे कॉस्ट मांगी है 64 रेडियो सेट्स की, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया आपका 3,37,200। सो बच्चे ये आपकी 5.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी फेयर नोटबुक पे आपने नीट एंड क्लीन करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस।